दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे जो भी स्टूडेंट सीटेट 2019 पास कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी वाला न्यूज है। उनके लिए जमार नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है। तो आइए जानते हैं कि आप कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अभी शुरू है और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप कब तक आवेदन करेंगे, इसके लिए कितना आवेदन फी देना होगा और किस कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं और किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं, आप किन पदों के लिए क्या योग्यता है। तो यहाँ पर हम आते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NVS नवोदय विद्यालय स्कूल टच करें, पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आपको 1500 रुपये फी पे करने होंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद PGT और TGT मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर बनने के लिए और फीमेल स्टाफ नर्स इनके लिए 1200 रुपये एग्जामिनेशन फी है। वहीं लीगल असिस्टेंट कैटरिंग असिस्टेंट एंड LLC के लिए 1000 रुपये फी पे करने होंगे और ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। और पे सभी यहां पर देख सकते हैं कि पे फी या ऑनलाइन मोड, यानी ये सभी फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पद की अब हम बात कर लेते हैं। तो 2370 पद हैं। उसके बाद एज की गणना जो है आपको 9/8/2019 के आधार पर की जाएगी। एप्लीकेशन जो शुरू हुआ था वह 10/7/2019 को शुरू हुआ था और एप्लीकेशन करने की लास्ट तिथि जो है 9/8/2019 यानी 9 अगस्त तक है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। वहीं लास्ट डेट फॉर PAP यानी पेमेंट करने की आखिरी तिथि जो है वह 12/8/2019 है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आयोजित की जाएगी उनकी डेट के हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 5 से 10 सितंबर के बीच में ये संभावित है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आपको PG होना चाहिए, साइंस कॉमर्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज इसमें, और इनका जो पेमेंट है इनके लिए आपको सैलरी जो मिलेगी 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये तक मिलेगी। उसके बाद हम नीचे में हम PGT टीचर की हम बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अब देखिए ये मैक्सिमम 40 वर्ष तक की एज वाले इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क, यानी जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहेंगे उसमें कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, आपका PG होना चाहिए, BA डिग्री होना चाहिए। उसके पश्चात TGT के लिए हम बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 35 वर्ष तक के स्टूडेंट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उनको कम से कम डिग्री यानी ऑनर्स में जो है ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए और साथ ही BEd होना चाहिए। अब हम लीगल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए जो एज फिक्स है वो है 18 से 32 वर्ष, यानी मिनिमम एज 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। डिग्री इन लॉ की डिग्री उनके पास होना चाहिए। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35 वर्ष निर्धारित है मैक्सिमम, और वे क्लास 12th पास होना चाहिए। उसके बाद हम कैटरिंग असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो उनके लिए 35 वर्ष उम्र रखी गई है अधिकतम। रेस्ट को आप विस्तारपूर्वक इनके क्वालिफिकेशन को पढ़ना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं या इस वेबसाइट पर आकर के विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। LLC के लिए 1827 यानी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 वर्ष होनी चाहिए। 12th में 50% मार्क होनी चाहिए। अब हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो
अब मिसलेनियस टीचर के लिए यहाँ पर कह रहा है कि सी नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आप नीचे से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड नोटिफिकेशन, इनको यहाँ पर टच करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप वॉल पोस्टर डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ टच करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ से आप स्वयं से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। टच करके आपको ऑप्शन खुलेगा फॉर्म भरने का। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो वीडियो को आप देखते जाइए। यूआर के लिए दो है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 5 वैकेंसी है। वहीं पोस्ट पीजीटी टीचर की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में 43 सीट वैकेंट है, केमिस्ट्री में 45। वीडियो को पोज करके आप देख लीजिए कि इसमें कितना सीट वैकेंट है। वहीं टीजीटी की हम बात कर लेते हैं तो मैथ में 256, इंग्लिश में 289, सोशल स्टडीज में 160 है। रेस्ट को आप पढ़ते जाइए वीडियो को पोज करके। तो फाइनली यहाँ पर आपने इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स जान ली है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सी टेट बी टेट कुछ भी पास हो किसी भी राज्य में और आप अपने भर्ती शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सो जाओ। सभी जानकारी इस चैनल पर मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।